सुनील जी का फोन आया था कि सर आने वाले हैं भिलवाड़ा, मैं अहमदाबाद से मिला हूँ, ये मेरी टीम है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मेन वर्टिकल है मेरे क्रेडिट ब्यूरो रिलेटेड काम करना, और अपूर्व फाउंडेशन हमारी फॉर्म है, इज एन रजिस्टर्ड NGO, बट जैसे ही सर का नाम सुना और उनका जैसे बताया डायरेक्टर सर ने भी ओसवाल ग्रुप के कि ये पूरे सूरज है और मैं एक दिया लेके खड़ा हूँ, ऐसी बात है, तो अभी मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता, वो इतने बड़े सूरज हैं और इतने सुनने के बाद मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं इनके लिए भी कुछ बोलूँ या मेरे अपने लिए कुछ भी बोलूँ, फिर भी यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, एक दो मिनट बता दूँ, हमारा काम है क्रेडिट ब्यूरो के रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स या कंपनीज MSME है उनको लोन में प्रॉब्लम आता है, नॉर्मली डेलिंक्वेंसी से आपने लोन भरा ही नहीं तो हमारे पास कोई रोल नहीं है, बट कुछ टेक्निकल क्वेरीज है, बैंक ने अपडेट नहीं किया है, ब्यूरोज में कोई प्रॉब्लम है, स्कोर का इश्यू है, और अभी MSME रैंक भी आ गया है जो कंपनीज के लिए एनहांसमेंट वगैरह के लिए, तो उसे एज पर द CIC गाइडलाइन कैसे इसको ठीक किया जाए, उसका पूरा सिविल का एल्गोरिदम क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको अपडेट करने में हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली वी कैन गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो देयर दैट यू कैन जस्ट मेल टू द सिविल डिपार्टमेंट और एनी ब्यूरो, बट सिविल इज एन डेटा बैंक, उनके पास एडिट डिलीट या ऑल्टरेशन के पावर्स ही नहीं है, इट्स एन डेटा बैंक, तो क्या करना चाहिए, तो उसके पूरे 10 साल से मैं काम कर रहा था, मैं पहले UK था, उसके बाद 1 साल USA गया, फिर देखा कि 10 साल के बाद इंडिया के अंदर अभी जो चेंजेस हो रहे हैं और अभी जितनी हमारी इकोनॉमी जैसे सर ने बताया हो रहे आगे का, इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें, और एक नॉर्मल जैसे सर ने अभी बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है 50% से कम लोग विलेजेस में रहते हैं, तो उनको कैसे गाइड किया जाए, अभी लास्ट वीक 10 दिन पहले देवेंद्र पटवनी जी ने एक बयान दिया था कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेटेड ही, मीन्स सब बैंक्स के रिलेटेड, कि अगर सिविल में कोई प्रॉब्लम है और कोई फार्मर्स को लोन नहीं दे रहे हो तो आप बैंक के ऊपर FIR करो, उन्होंने बोला कि भी होता था कि स्टेट गवर्नमेंट्स फार्मर्स को लोन माफ़ कर देते हैं, इंटरेस्ट माफ़ कर देते हैं, बट एज पर RBI स्ट्रक्चर और CAC एक्ट में वो सेटल होकर आ जाते हैं, और जैसे ही सेटल रहेगा तो दूसरी बार वो फार्मर वहाँ पर जाएगा तो बताएंगे कि सर आपको लोन नहीं मिल सकता है, तो अभी लास्ट 10 दिन पहले की बात में स्टेटमेंट था, बट अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत काम कर रही है इनके ऊपर, उन्होंने भी सब ब्यूरोज के ऊपर प्रॉपर निगरानी रख के उनको भी पेनल्टीज दे रहे, कंपेंसेशन कस्टमर को देने का अभी स्ट्रक्चर ही वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी सारा फील्ड ऐसा है पूरे इंडिया के अंदर कि जहाँ पे अनटैप्ड है, तो किसी को पता ही नहीं है कि कैसे काम हो सकता है या होता है भी नहीं होता है, नॉर्मली अब हम काफ़ी सारे बैंक्स में मैं अवेयरनेस के सेमिनार्स करता हूँ, इंस्टीट्यूट में करता हूँ, बट हार्डली ऐसा बताया जाता है कि भाई 99.9% लोगों को पता है क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, बट ओनली 1% कैन नो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, उसका ब्यूरोज के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, आप कैसे क्रेडिट हेल्दी हो सकते हो, उसके ऊपर मैंने 2 बुक लिखी है, इंडियन क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम, और दूसरा एक सर के हाथ से भी इनोग्रेट करवाया है इम्प्रूव योर क्रेडिट हेल्थ, आप अपनी खुद की हेल्थ क्रेडिट हेल्थ कैसे सुधार सकते हो, बिकॉज एनी ऑर्गेनाइजेशन उनको फर्स्ट क्या चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकेंगे आप, पैसा है तो ही कर सकेंगे, और जहाँ पे हम छोटे से छोटा ओप्पो का लोन लेने जाते हैं मोबाइल का, या बड़े से बड़े करोड़ ऑफ मिलियंस ऑफ लोन लेने जाते हैं, तो ब्यूरोज के रिपोर्ट पर बैंक चेक करती ही करती है, और अगर इसमें कोई डिलीवरेंसी से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ स्टॉप हो जाता है, तो उसको अगर आप कहीं ऐसे ट्रैप में फंस गए हो, या पुराने मान लीजिए 5 साल पहले कुछ MPA हो गए हो, तो ऐसा तो कोई लोन नहीं कि 10 साल पहले कोई आदमी का कोई एक चेक बाउंस हो गया तो उसको लाइफ टाइम लोन नहीं मिलेगी, उसका स्कोर ठीक नहीं होगा, तो पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है, पॉलिसीज है, उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये अपडेट और इम्प्रूव हो सकता है। मैं स्पेसिफिकली ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और सर को मिलने से अहमदाबाद से मैं आया हुआ हूँ, और सुनील सर जो CA है हमारे सोमानी सर, उनको भी बताया कि भिलवाड़ा के अंदर भी अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आपको कॉन्टेक्ट करें, हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एडवाइजिंग करें, वी आर नॉट चार्जिंग सिंगल पैनिक कि आप इसको कैसे बाहर निकल सकते हो, हमारे जो प्रोसेस है उसमें भी फ्री हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, थैंक यू वेरी मच। इसे सब चंद ही तो 20 लाख से 1 करोड़ की रेंज में जिन्होंने लोन दिया था, बैंक अकाउंट पर ऑलमोस्ट 70% का लोन, और एक बार स्कोर खराब
खड़ा हो गया में आगे कुछ करना हो तो उसी जगह क्योंकि बैंक से लड़ा के कमेंट देते हैं कभी तो भी एक्शन नहीं दी कभी वो टाइम सेटलमेंट किया तो ऐसे लोगों को गाइड करना वो हमारी आंखों स्ट्रेंथ सच कह वो आज कुछ कारणों से अड़चन में फंसे हैं इसलिए बोल दिया तो भी प्रोसेस चल रहा है ये हमारा आंखों पर टैलेंट उनको सही